मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता उत्तोलन के बाद क्या कुछ कहा गांधी मैदान में। के तहत अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी आदि की सूचना पटना स्थित सेंटर में आने पर तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड में एम्बुलेंस की सहायता भी पहुंचाई जा रही है। एक दिन जा करके इस काम की शुरुआत करने का मौका मुझको मिला और हमने पूरा विमर्श किया और देखा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से लोगों को होगा और इसके लिए और भी जितने वाहन वगैरह की बात है उन सबों को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए जितने अधिकारियों की और आवश्यकता होगी उनको इस काम में लगाया जाएगा। जब भी कुछ होता है यहाँ से उस इलाके को सूचित भी करते हैं और यहाँ से भी वहाँ पर भेजने का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब काम हम लोग काम कर रहे हैं और आप समझ जाए कि शुरू में ही जो सब जो है हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का भी शुरू से माहौल कायम किया है। शुरू से ही सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये 2006 से ही हम लोगों ने इस पर जितनी बातचीत की है और इस बात को देख करके ये सारे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसमें सक्रिय रहते हैं, तत्काल वहाँ पहुँचते हैं, किसी मामले को इसको और ज़्यादा खराब होने नहीं देते हैं और सदैव इस काम को देखते रहना है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना सबके लिए काम किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई 2006 में, राज्य के मिलीजुली आबादी वाले इलाके में अवस्थित और संवेदनशील कब्रिस्तानियों की घेराबंदी की जा रही है। अब तक 9,442 चिन्हित किया गया है और 7,220 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर ली गई है। यह काम लगातार जारी है ताकि किसी तरह का तनाव नहीं आए, ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देख रहे थे आप किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की बात गांधी मैदान से आज बिहार की जनता को कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।